हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। शक्ति चारों तरफ से घिर जाओ बाबा शक्ति, बाबा शक्ति। कौन है बेटा, कौन है जो प्रातः काल मेरे पास आ गया है? भगवान के भक्तों को सताने वाला कौन है तू? शैतान? क्या शैतान? शैतान नहीं, वक्त का चूका हुआ इंसान। ऐ मजेवी इंसान, बता दे पहले तू अपनी पहचान। डाकू शांगा मेरा नाम। डाकू शांगा। बेटी शांगा, मेरे पास आया तो ठीक है, लेकिन संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। बेटे, यहाँ आने के लिए तू ऐसे से खतरनाक औजारों को क्यों लेकर के आया है? ये सब लाने का तेरा मेन स्कोप क्या है बेटा? और बता दे काम खड़ा कौन है यार माँ? बेटा, तुम्हारा नाम दुनिया में प्रसिद्ध है बेटा। ये तो मेरा परिश्रमिक देने परिश्रम का फल है बेटा। और मेरा नाम दुनिया में विख्यात नहीं है। और मार गोली से तुझे। किसको मारोगे बेटा? मार गोली से तुझे ढेर बनाऊं बाबा। ठंडी हो मेरी लाल, ठंडी हो। मार गोली से तुझे ढेर बनाऊं और तुम्हारे खून से, तुम्हारे खून से मैं नाम कमाऊं। प्रसिद्ध है और आज तुम्हें मारकर अपना नाम दुनिया में विख्यात करूंगा, अपना नाम दुनिया में प्रसिद्ध करूंगा। धन्य हो मेरे बच्चे, धन्य हो। मैं बहुत खुश हुआ बेटा जो आज तक इस 12 लाख लक्ष वर्ष में किसी भी इंसान के अंदर ये हिम्मत नहीं हो सकी है कि वो मेरे सामने आकर के मुझसे ऐसे कह सके। बेटा,
कम से कम तेरी हिम्मत तो पैदा हो गई, तू कलयुग में पैदा तो हो गया बेटा। अरे बेटा ना जाने कितने योद्धाओं को मैंने देखा है, आए बेचारे और काल के गाल में क्षमा गए, जिनके बल का कोई शुमार नहीं था, जिनकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था, एक दिन वो भी मिट्टी में दबा दिए गए। उदाहरण तया स्वरूप है बाली बलीच दधीच युधिष्ठिर, धीम महाबल के यत सेवा, अंत समय उबरे न के उक्षण माही भय सब काल कले। बलि विक्रम धेनु दधीच अर्जुन गे जिन भारत ठाना, और जंग जुरे दुर्योधन गे जो 64 कोस में छत्र बताना। और शक्ति यही प्रमाण देते है बेटा, जो फरा सो झरा जो बरा सो भूताना। अरे ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, आवरण को शीतल करे शीतल आपू होए। अत का भला न बोलना अत की फली न चूप, और अत का भला न बरसना अत की फली न धूप। अत्यधिक बोलना ठीक नहीं होता है बच्ची, अत्यधिक चुप रहना भी मूर्खता का कार्य। जिस प्रकार से अत्यधिक धूप का निकलना ठीक नहीं होता है, जिस प्रकार से अत्यधिक बादलों का बरसना ठीक नहीं होता है, उसी प्रकार से अत्यधिक बोलना भी अनुचित होता है बेटा। अरे तू मेरे पास आया, इस बात की जानकारी मुझसे कर, मैं उस मार्ग को दर्शन कराऊंगा बेटा। साधुओं संतों ऋषि मुनियों फकीरों दरवेशों को मार करके आज तक किसी ने नाम कमाया क्या? इम्पॉसिबल बेटा। नो मैं बतलाता हूँ, देख मेरी बातों को गौर से सुन। अगर तेरे को नाम कमाना है तो जा, और यहाँ से तेरे नजरों में जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं जा करके उनकी हेल्प कर, और देख उन्हीं के पीछे तेरा कैसे नाम होता है। नहीं बाबा नहीं, किसी गरीब यतीम मोहताज अपाहिज की मदद नहीं करूंगा। मेरी नजरों में खून ही खून है, मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। बंजारा का बैल बन घूमे देश विदेश, और सूखा भूसा खाते बिना गुरु उपदेश। बेटा गरीबों ने तेरा क्या ले लिया है जो इस प्रकार तू गरीबों से नाराज हो गया है? क्या लिया है तूने, क्या लेकर के आया है? जो भी लिया है तूने यहीं पे लिया है, किसी और का तो जो तूने पा लिया है, और जो तेरे हाथ में आ जाए वो कल किसी और का हो जाएगा। और ये जीवन तो पानी के बुल्ले की समान है बेटा, फिर गरीबों से नाराज हो गया? अच्छा ये बतला बेटे कि तू अपनी कहानी बतला दे, तेरी जीवनी कथा क्या है? बाबा मेरी कहानी आप सुनना चाहते हैं तो सुनो, मैं कोई डाकू नहीं हूं। मेरे पिता विक्रम सिंह पहाड़गढ़ रियासत के राजा थे, रामगढ़ के राजा पदम सिंह मेरे पिता विक्रम सिंह को मारकर मेरा राज्य अपने कब्जे में कर लिया, मुझे फांसी का ऐलान करवा दिया, मेरे पकड़वाने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखवा दिया, साथ साथ जो कोई खाना या पानी देगा उसे सजाए मौत मिलेगी। उस वक्त मौजूद नहीं था, ननिहाल में था, मेरी पत्नी थी, मेरी पत्नी की गोद में एक मेरा मासूम बेटा था। एक सिपाही भागता हुआ मेरे पास पहुंचा और उसने सारी हकीकत बताया, और जब पहाड़गढ़ रियासत की ओर बढ़ा तो सिपाही वहां जाने से रोका क्योंकि मैं तन्हा बच्चा था, मेरी फौज मार दी गई थी, मेरे पीठ पर सहारा देने वाला कोई नहीं था। बाबा बहुत कोशिश की, पहाड़गढ़ रियासत ना जा सका, अपनी पत्नी अपने मासूम बेटे को लेकर जंगल की राह थाम। चलते चलते काफी दूर जाने के बाद शाम होने को आई, मेरी पत्नी चल नहीं पा रही थी, वो मजबूर हो गई। उसने कहा नाथ थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद मैं फिर चलूंगी। बाबा अपनी पत्नी अपने मासूम बेटे को लेकर उसी बियाबान जंगल में आराम करने लगा। फिर क्या किया बेटे? जब मेरी पत्नी गहरी नींद में सो गई, एक बैग मेरे दिमाग में गूंज उठा कि आप भगवान मैं अपने बीवी बच्चे को साथ लेकर
कहां तक घूमता रहूंगा। एक दिन अवश्य पकड़ा जाऊंगा। मेरे पकड़ जाने पर मेरी जान जाएगी, मेरे मासूम बेटे व पत्नी की जान भी चली जाएगी। बाबा सोते वक्त उसी बियाबान जंगल में भगवान के सहारे पर छोड़कर वहां से भाग निकला। बड़ा अनर्थ कर दिया तूने। 20 साल हो गए, 20 साल मैंने हर गली हर कुचों में ढूंढा, कहीं मेरे बीवी बच्चे का पता नहीं चल रहा कि वो दुनिया में जिंदा है या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गए। बाबा आप ही बताएं कि जिसका पिता बेदर्दी के शॉट मार दिया जाए, जिसकी हुकूमत छीन ली जाए, जिसके बीवी बच्चे बिछड़ जाए, उसके दिल पर क्या बीतेगी। मैं कहता हूँ शांत हो जाओ। अब ये कहानी दोबारा मत कहना मेरे बच्चे, नहीं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। मैं किसी के भी करुण स्वर को सुन करके शयन नहीं कर पाता बेटी। मेरा हृदय बिल्कुल दया से भरा है। जा जा बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद तू जिस रास्ते को अपनाएगा वो तेरी पिछली जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। जा मेरे लाल। ओ नहीं बेटी, तू रो रहा? नहीं बच्ची, ये क्या कर रहा? अपने आंखों से आंसू मत निकाल, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना आपा ना खो जाऊं। मेरे चौखट पे आने वाला कोई भी इंसान अगर वो अपने आंसुओं को गिरवी के रूप में रख दिया है बेटी, तो कभी फिर उन आंसुओं को लेने के लिए नहीं आया। ऐसा मत कर, क्या चाहिए बोल बोल, अपनी जुबान खोल करके देख। अगर तू कह दे तो दुनिया की सारी दौलत तेरे कदमों में आ सकती है बच्चे, लेकिन आंसुओं को मत निकाल बेटा, नहीं तो मेरी जुबान से कुछ और ना निकल जाए, तुझे कोई परेशानी ना आ जाए। बेटी नहीं बोलेगा, मत बोल मत बोल। या प्रभु, अच्छा बोल, मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ, अब बोल बेटे बोल। लेकिन 2 ही वरदान तेरी इच्छाओं के अनुसार मिल सकते हैं बेटी, मैं 3 वरदान तेरी इच्छाओं के अनुसार नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को ऊपर से अनुमति नहीं मिली बेटी। 2 ही वरदान दे सकता हूँ, 1 वरदान दूंगा मैं अपनी इच्छाओं के मुताबिक दे दूंगा। इसलिए बेटे सोच समझ करके मांगना, कहीं वरदान मांगने से नहीं तू विचलित ना हो जाए और आगे तेरे लाइफ में कोई परेशानी आ जाए। बाबा क्या मेरे मांगे अनुसार मिलेगा? हाँ बेटा बिल्कुल श्योर फॉर सर्टेन। क्या चाहिए तेरे को? या भगवान, सबसे बड़ी दौलत तो मेरा इकलौता बेटा। और पहला वरदान मुझे तो मेरा परिवार मिले। ऐसे वरदान मत मांग। नहीं पहला नहीं वरदान मुझे तो मेरा परिवार मिले और हुकूमती पहाड़। शंगा तू पागल हो गया है? हुकूमती पहाड़ गढ़ की तू जे न सर क्या किया तू? चुप हो जाओ सांगा। तुझे न दरबार मिले। बाबा पहला
मकान मुझे दो, मेरा पिछड़ा हुआ परिवार मुझे मिल जाए। मैं कहता हूँ चुप हो जाए, तुझे कुछ भी नहीं मिल पाएगा, तू यहाँ से निकल जा। नहीं बाबा, मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा तेरे और को। दूसरा वरदान जो हुकूमत पहाड़गढ़ की मुझसे बिछुड़ चुकी है मुझे वापस मिल जाए, और तीसरा वरदान जो आपने कहा है कि मैं अपने इच्छा अनुसार दूंगा, तो आप तीसरा वरदान आप जो चाहे सो दे सकते हैं, मुझे स्वीकार है। वाह बेटे वाह, मैंने वरदान मांगने के लिए कहा था और मांगा, मांगने नहीं जाना। अरे नादान बच्चे मांगता है तो वही धन दौलत, वही ऐसो आराम, दीवी बच्चे ये सब क्या है बेटा, क्या है? अरे तू मत जाने बावरे मेरा है सब कोई, ये मत समझ कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी मेरे पेरेंट है, मेरी फैमिली कोई किसी का है नहीं बेटा। तू मत जाने बावरे मेरा है सब कोई, और पिंड प्राण से बन रहा सो अपनो ना हो। कोई किसे कहे जो ये आत्मा है नहीं, जो नास्तान शरीर में विराजमान है, जिस समय इसे त्याग कर देंगे मिट्टी का खिलौना किसी कसरे के डब्बे में डाल दिया जाएगा। बेटी किस हुकूमत की बात करता है बेटा? अरे कहाँ चुनाव है, मेढ़िया लंबी भी तू सार, और घर तो 3.5 हाथ बेटवा, घना तो 4.25। अरे मूर्ख मानो, इतना भव्य विशाल मकान बनाने से क्या लाभ है? एक दिन तेरे मरने के बाद तो सिर्फ 3.5 हाथ जमीन ही काफी है, और अत्यधिक लंबा है तो 4.25 हाथ। तो क्या करेगा दुनिया की दौलत इकट्ठा करके तू अपनी जिंदगी के बारे में सोच? बाबा मेरी जिंदगी से बढ़कर मेरा इकलौता बेटा है। वाह बेटे वाह, समझाना मेरा काम। मैं तो चाहता था तू अपने अज्ञान रूपी ताले को मेरे ज्ञान रूपी कुंजी से खोल करके खुद प्रकाशित प्रकाश में ही हो जा। अगर ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं तू जाने, तेरा काम जाने। सुन सुन के पाथर भवा अंदर रहा नसीज, और एकदम से ऊसर होएगा भरीगा अंदर कीच। अगर तेरी बीवी बच्चे तेरे जिंदगी से बढ़ करके हैं तो जा बेटा, मेरा आशीर्वाद है, एक दिन तेरे बच्चे और तेरा परिवार तुझे मिलेगा। धन्य है बाबा, धन्य है। पहाड़गढ़ की हुकूमत चाहिए, वहाँ का तू उत्तराधिकारी कहलाना चलाता है चाहता है, तो ठीक है बेटे, एक दिन वो हुकूमत की बागडोर भी तेरे कवरेज में आ जाएगी, तेरे अंडर में निश्चित रूप से आ जाएगी। लेकिन बेटे तूने भी बच्चों के विषय में वरदान मांगी है ना, अपनी अपनी हुकूमत के बारे में वरदान मांगी है। अरे नादान, तूने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा, क्या सोचा तूने? अरे एक दिन ऐसा आ जाएगा बेटा, मैंने जो तीसरा वरदान देने के लिए कहा था उसे सुन, कि एक दिन तेरे ये जो दोनों हाथ हैं ये तो काट करके फेंक दिए जाएंगे। बेटा ये तुम्हारी बहुत छोटी आवाज है, परंतु उस समय का ऐसा भयावह दृश्य होगा कि तुम चीखते चिल्लाते रह जाओगे, कोई भी इंसानी शक्ति तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकेगी, और बड़ी बेरहमी के साथ तुम्हारे दोनों हाथ काट करके फेंक दिए जाएंगे। लेकिन बाबा मेरे दोनों हाथ कब काटे जाएंगे, किस वक्त काटे जाएंगे? बेटा तू मेरा इंटरव्यू ले रहा क्या? बेटे मेरा इम्तिहान मत ले, ये मत समझ कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जान करके भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी कोई दूसरा बैठा है, मैं भी उसी के अधीन हूँ। अगर मैं ही सब करने लगूंगा तो उसको कौन मानेगा? बेटा मैं नहीं बतला सकता, तू समय का वेट कर, उसकी प्रतीक्षा कर, किसी को बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता तुझे खुद ज्ञात हो जाएगा। बेटा तू मेरे पास आया ना, मैं तेरे को ऐसे नहीं जाने दूंगा, जब जिस वक्त तेरे दोनों हाथ काटे जाएंगे मैं खुद आकर के तेरी रक्षा कर दूंगा बेटा। जा। लेकिन बेटे मैं तुझे कहीं भेजना चाहता हूँ, तू मेरे आदेशों का उल्लंघन तो नहीं करेगा? नहीं बाबा, पालन करूंगा। सुन बच्चे मैं तेरे को कहाँ भेजना चाहता हूँ, सुन। जाओ बेटा अभी पोर वंदर चले, लाज अबला की जा कर बचा लेना तुम, और भी काम जो होवे उसका पड़ा
बेटा सब काम उसका बना देना तुम। बाबा बाबा कोई अबला की लाज नहीं लूटी जाएगी। लाज लूटने वाले को इस दुनिया से मिटा दूंगा। लेकिन हमें अफसोस है। किस बात का बेटा? कि कोई अबला मेरे करीब नहीं आएगी, मुझसे डरकर दूर भागेगी। उसकी इज्जत की रक्षा किस तरह कर पाऊंगा? अगर इस ब्लैक यूनिफॉर्म में जाएगा तो हक है कि तू उस बेटे की इज्जत को नहीं बचा सकेगा बेटा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस काली वर्दी को उतार करके फेंक दे, योगियों के वेश में आ जा, ढेर सी मालाएं लटका लो, चंदन लगा ला मस्तक पे लगा करके टूटी फूटी भजनों को सुनाते हुए लोगों के दिल में ऐसा घर बना लो। बाबा कि पहले ऑब्जेक्शन नहीं करोगे बेटा? मैंने पहले ही कहा था कि जो कुछ मैं बोलूंगा तुम बीच में आए मिश्र नहीं कर सकते बेटा। तुम टूटी फूटी भजनों को सुना करके लोगों के दिल में घर बना लो बेटा। जंगल नहीं होता तो मोर कहाँ छिपते, और साधु नहीं होते बेटा तो चोर कहाँ छिपती। इस तरीके से जाओगे तो उस बेटे की इज्जत को बचा पाओगे बेटा। और वैसे भी मेरा आशीर्वाद तुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है बाबा, मैं अपना भेष योगी का बना कर पोरबंदर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। कोने कोने में अलग जगाऊंगा और खोज निकालूंगा कि कौन है दुष्ट जो बला की लाज लूट रहा है। लाज लूटने वाले को इस दुनिया से मिटा दूंगा। बाबा शक्ति की, बाबा शक्ति की, बाबा शक्ति की। क्या बताऊं, आज मैं सो रही थी, अचानक स्वप्न में देखती क्या हूं कि मेरे बेटे सपेरे को किसी सर्प ने डस लिया और मेरा बेटा सपेरा खत्म हो गया। या मेरे मालिक, ये मैंने कैसा सपना देखा? सपना है या कि हकीकत है, मेरे कुछ समझ भी नहीं। मैं फेरी करने जा रहा हूं मां। बेटा जाते आज तुम छुआ न मेरा पैर। बेटा बेटा जाते आज तुम छुआ न मेरा पैर। मत जाओ फेरी करन आज नहीं है। जब नागन कोई गए डस गई, निकली हुई कश्ती दरिया में आकर फंस गई। बेटा मेरा दिल धड़कता है धीरज बंधा।
सच ना होते मां कर्म लेख ना मिट सके लिखा हुआ विधि और मैं बेटा हूँ मैया मैया कमा कर खिला भाग गया हुआ है। मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे को कुछ होने ना पाए, यह मेरे मालिक सिर्फ तेरा ही सहारा है। मेरे बेटे को कुछ होने हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।